अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब जी। सर्दियों को और भी मज़ेदार बनाने के लिए मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ आज फ़िश एंड चिप्स की रेसिपी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की। आप कैसे क्रिस्पी जो है वो फ्राइड फ़िश फिले आप बना सकते हैं घर पे बहुत आसानी के साथ, बहुत से थोड़े से इंग्रेडिएंट्स में। तो चलिए बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 250-300 ग्राम्स के करीब जो है ये फ़िश फिले है। मेरे पास जो ये मुश्का फ़िश है, आपको जो भी पसंद हो आप वो ले सकते हैं। तकरीबन ये 10 से 11 जो है ये पीसीज होंगे। इसमें मैं सबसे पहले 1.5 टेबल स्पून विनेगर लगा के, तो इसको समझें 10 मिनट के लिए जो मैं इसको मैरिनेट होने के लिए रखूँगी। इससे क्या होगा, हमारी फ़िश अंदर से बहुत जूसी और टेंडर बनेगी जी। 10 मिनट्स इसको हो गए, हम इसके अंदर जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर सॉल्ट जो है वो ऐड किया है। आप देख लीजिएगा आपकी फ़िश अगर ज़्यादा सॉल्टी है ऑलरेडी तो कम सॉल्ट डालिएगा। 1/2 टीस्पून इसके अंदर मैं ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च पाउडर डाला है मैंने। 1/2 टी स्पून भर के जो है मैं इसके अंदर डाली हूँ गार्लिक पाउडर का। आपके पास गार्लिक पाउडर ना हो तो आप 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। 1/2 टी स्पून इसके अंदर मैंने किसी भी लाल मिर्च यानी कि रेड चिली पाउडर का शामिल किया है। 1/4 टीस्पून इसके अंदर सफ़ेद मिर्च पाउडर मैंने डाला है। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जो है ये है मेरे पास सोया सॉस का, ये इसमें शामिल करेंगे। 1/4 कप जो है एक मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ कॉर्नफ्लावर का, जो कि तकरीबन 4 टेबल स्पून बनता है। और 2 टेबल स्पून जो है मैं इसमें डाल रही हूँ ऑल पर्पज़ फ्लावर यानी कि मैदे का। अच्छा, ये मेरे पास एक अंडा था, मैंने इसको फेंट के सिर्फ आधा शामिल कर रही हूँ, पूरा एक शामिल नहीं करना। आधा जो है वो हमने शामिल करना है एग, और इनको हम अच्छे तरीके से जो है इसके ऊपर कोट कर देंगे फ़िश के ऊपर, ताकि सारे फ्लेवर्स जो है ना वो इसके ऊपर वेल कम्बाइंड हो जाए इनके साथ जी। मेरे पास यहाँ पे ब्रेड क्रम्स हैं और मैंने उसमें थोड़ा सा जो है नमक और काली मिर्च शामिल कर दी थी, और ये जो हमारे सारे फ्लेवर्स में डिप हुए हुए जो फ़िश फिले थे वो हम इसके ऊपर जो है इस तरीके से देखिए मैं कोट कर रही हूँ ब्रेड क्रम्स का। तरीके से कर करके आप जो है वो सारी अपनी जो है फ़िश फिले जो है वो क्रम्स से प्रॉपरली कोट करके जो आप रखते जाइए, ताकि आप फिर एक साथ जो है ना वो अपना बैच डालें फिश का और वो अच्छे से फ्राई हो जाए। क्या करेंगे जी, सिंपली जो है वो इसको डीप फ्राई करेंगे लो टू मीडियम हीट पे। आराम से जो है ना ये 5 से 7 मिनट में जो है वो फ़िश फिले जो है हमारे डन हो जाएंगे। अंदर से बहुत ही जो है ये सॉफ्ट और टेंडर बनेंगे, जूसी बनेंगे, और बाहर से जो खूब सारे जो है ना क्रिस्पी और क्रंची हमारे फ़िश फिले वो रेडी होने वाले हैं। आप चाहें तो इसी तरीके से प्रॉपर मैरिनेट करने के बाद और क्रम कोटिंग करने के बाद इसको सेपरेट ट्रे में भी रख के आप इसको पहले से फ्रीज भी कर सकते हैं, और जब आपको फ्राई करना हो तो आप बस बाहर निकालिए और उसको डायरेक्ट ही जो है वो आप अपने जो पैन होगा उसमें आप डाल के इसको फ्राई कर सकते हैं। ये कि उसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा अप टू 10 मिनट्स भी जा सकता है, क्योंकि साइज़ पहले वो फ्रोज़न होंगे तो उनको पहले डीप फ्रॉस्ट होने में अंदर टाइम लगेगा, तो आप उसको भी जो है वो लो टू मीडियम पे जो है आप उनको फ्राई कर लीजिएगा। इसमें जो मैं इसको एक दफ़ा टर्न कर लूँगी, और बस ये जी हमारे ज़बरदस्त से क्रिस्पी फ्राइड जो है वो फ़िश फिले जो है वो रेडी है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल के। इसको जी हम निकाल लेंगे अब पेपर टावल पे, और फ्रेंच फ्राइज़ को भी मैंने कट करके अच्छे चिल्ड वाटर में जो है मैंने उसको 2 से 3 दफ़ा जो है उसको अच्छे से रिंस कर लिया था, ताकि स्टार्च उसका निकल जाए। और इस तरीके से इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। उसके बाद आप इसके ऊपर सॉल्ट जो है वो हल्का सा छिड़क लीजिएगा, तो आपके क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ भी रेडी हो गए जी। तो अब यहाँ पे ले लूँगी मैं एक सर्विंग प्लेटर, और इसमें हम रखेंगे अपने फ्रेंच फ्राइज़, और ये मैंने चिली गार्लिक सॉस और गार्लिक मायो जो है वो 1/2 क्वांटिटी में लेके मिक्स करके एक सॉस बना लिया है। आप अपना कोई सा भी जो है वो फेवरेट सॉस ले सकते हैं। अब इसके ऊपर जो हम रखेंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की जो है हमने जो फ्राइड क्रिस्पी जो है वो फिश फिलर रेडी किया है वो जी। मैं आपको अंदर से जो है इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए ऊपर से क्रिस्पी क्रंची और अंदर से बहुत ही जूसी और टेंडर जो है हमारी फ़िश फिले जो है वो हमारे रेडी हुए हैं। भी जो इनको ज़रूर ट्राई करना है, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, और वीडियो पसंद आई हो तो थम्स अप दें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।